अभी भी देश के कई राज्यों से मॉनसून की विदाई नहीं हुई है। कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। कई राज्यों का तो हाल बारिश से बुरा हाल है। तो चलिए जानते हैं देश में मौसम का हाल आज कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं दिल्ली के मौसम से। मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम आज मंगलवार को साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे लोगों को हल्की ठंडी का भी एहसास होने लगा है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइए जानते हैं केरल में हालात कैसे हैं। केरल में बीते दिनों हुई बारिश भूस्खलन की वजह से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा केरल में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण मौसम विभाग ने 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। आइए जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की हालत इस बार काफी खराब है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और चक्रवाती तूफान के सक्रिय होने से झारखंड से मॉनसून की विदाई नहीं हो पा रही है। कहने को तो शुरुआत में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन मॉनसून के आखिरी दिनों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली। नदी से लेकर तालाब, साथ ही बड़े बड़े डैम भी पानी से लबालब होते दिखाई दिए हैं। आज मंगलवार को झारखंड का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में कहां कहां बारिश होने वाली है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य भागों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बिहार के कुछ इलाकों, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़, आंतरिक ओडिशा, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों, लद्दाख, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।